गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, कैम सो, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो मैं आपका एग्रीमेंटर अजय सिंह जाखड़। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि कल आपका आरआरबी एसओ का एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम को देखते हुए लगता है कि जो आईबीपीएस है अपना पैटर्न लगातार कंटिन्यूस चेंज करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईबीपीएस जो फैक्ट बेस की बात करें तो उस फैक्ट से उठते हुए कहीं ना कहीं आपका जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो लगातार कंटिन्यूस देखें, पैटर्न आप देख सकते हो। इससे पहले नैनीताल बैंक का हुआ था, उसमें आपका पूरा का पूरा अगर एग्जाम देखा जाए, उसको एनालाइज किया जाए, ठीक है, मेरे को टाइम मिला तो मैं उसकी पूरी की पूरी वीडियो आपके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वरना उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं प्रोवाइड पीडीएफ फॉर्म है उसके अंदर करवा दूंगा विद आंसर। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ आरआरबी एसओ की, जो देखो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ आरआरबी एसओ के एग्जाम में, तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये ज्यादा डिफिकल्ट था, ज्यादा क्या कहते हैं आसान था। दोनों ही कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक ऐसा एग्जाम था जो कि मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट मीन्स कि इस एग्जाम के अंदर आपकी डिफिकल्टीज, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हुआ है, अगर आपने क्लास में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपके मोर देन 20 क्वेश्चंस आप आराम से सोल्व आउट कर सकते थे। यानी कि सारा का सारा खेल किसका था, कॉन्सेप्ट का। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, समझ में आया हुआ है कि ये क्या है, और दूसरा कहीं ना कहीं आपको सोचना था कि ये चीज क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में दिखाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व आउट कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो था वो विच वेराइटी ऑफ सुगर केन इज ए गामा रे इंड्यूस्ड म्यूटेंट फ्रॉम CO527। ऐसी कौन सी वेराइटी है सुगर केन की जो कि आपकी म्यूटेंट वेराइटी है, उसे तैयार किया गया है म्यूटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा, और म्यूटेशन जो है वो गामा रे के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी, और वो किस वैरायटी में? CO527 में। और इससे जो आपकी वैरायटी प्रोड्यूस हुई थी, इंड्यूस हुई थी, उस वैरायटी का नाम बताइए। देखो आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि हम हर एक वैरायटी को याद नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका क्या किया गया है, इन सभी वैरायटीज का, जितनी भी क्रॉप है हमारी, उनकी इंप्रूव्ड वैरायटी। देखो एग्जाम में जब ये वैरायटीज पूछी जाती हैं तो इन वैरायटीज का क्या फंक्शन रहता है कि इनमें से वो वैरायटीज पूछी जाती हैं जो कि फार बेटर होती हैं बाकी सभी वैरायटीज से। ठीक है, या इनके अंदर बहुत कुछ ज्यादा ही इंप्रूव्ड होता है अपने पेरेंट से। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी जो वैरायटी थी वो आपकी थी CO8152। ठीक है, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसके पेरेंटल करेक्टर को देखा जाए, CO527 को देखा जाए, तो इसमें आपकी अगर 100 क्विंटल आपका प्रोडक्शन था तो इसमें आपका प्रोडक्शन जो था वो 140 क्विंटल था। इट मींस कि 40% मोर प्रोडक्शन यहां पर शो किया गया था। ये बात समझ में आई? तो ये वैरायटी आपकी कौन सी थी? CO8152। इसके कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये आपके गामा रे के द्वारा प्रोड्यूस करवाई गई थी, और इसकी यील्ड जो थी वो आपकी मोर देन 40% थी। समझ में आया गाइस? नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं, आपका सेकंड क्वेश्चन था, फ्रीजियन इज ए ब्रीड ऑफ, क्या पूछा गया था कि फ्रीजियन जो है वो किसकी ब्रीड है। अब देखो यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती की है, मैं कह सकता हूं कि मोर देन 90% स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत किया होगा। आपके सामने ऑप्शन देता हूं, और ऑप्शन को देखते ही आपका सबसे पहला आंसर यहां पर क्या जाता है, काओ। ऑप्शन क्या थे? काओ, कैमल, गोट, हॉर्स एंड शीप। इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, ए। ठीक है, और क्यों? क्योंकि सभी जो है इसको ये सोच रहे थे कि शायद ये क्या है, होल्स्टीन फ्रीजियन। लेकिन इसका आंसर हमारा होल्स्टीन फ्रीजियन से नहीं। देखो जो एग्जाम बना रहा है वो इतना उसका दिमाग है, वो इतना सोच सकता है, वो फ्रीजियन लिख रहा है तो यहां पर होल्स्टीन भी लिख सकता था। किसी भी चीज को आप आंसर करने से पहले 2 बार 3 बार 10 बार सोचो उसके बारे में। रीजन क्या है? अब फ्रीजियन जो ब्रीड थी वो काओ की नहीं है, यहां पर आपकी हॉर्स की ब्रीड है। ये आपकी ब्रीड जो है वो फ्रीजलैंड से है। ठीक है, इसके करेक्टर की बात करूं, इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो आप जो है यहां पर देख सकते, ये आपके सामने है।
कि हिस्ट्री जो है ब्लैक फ्यूजन फोर्स की क्या है, कहां तैयार किया गया था, तो ये आपका फ्यूजन फोर्स है, फ्रिसलैंड से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आपका वाकई में जो ब्रीड थी वो किसकी थी, आपकी हॉर्स की थी। अब देखो कुछ अगर मैं देखूं तो यहां पर देखा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लोग बिना सोचे बिना समझे इनका आंसर, कोई बोलता है काव है, कोई कुछ बोलता है, तो देखो इनका आंसर ऐसे नहीं होता, ठीक है। लोग जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर इसी प्रकार से जल्दबाजी करते रहे, अब देखो कुछ लोगों का यही मानना होता है कि आईबीपीएस फैक्ट पूछता है, मैं मानता हूं ये एक फैक्ट था, लेकिन आगे आपके आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आज देखो यहां पर ब्रीडिंग के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे और बाकी क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आईबीपीएस जो है वो अपना खुद का पैटर्न चेंज कर रहा है, और बार बार इसके अंदर यही बोला गया है कि जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट और बेसिक होगा, देखो बेसिक कभी भी कॉन्सेप्ट के बिना क्लियर नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं कि बिना बेसिक बिना कॉन्सेप्ट के आपके बेसिक क्लियर नहीं हो सकते। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कोई चीज क्या है तो उसका आंसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको आगे दिखाता हूं, बहुत सारे लोग उसका आंसर गलत करेंगे। दो तीन क्वेश्चन है जिनका आंसर हर पर्सन गलत करेगा, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो चाहे कोई कॉलेज हो, मैक्सिमम जो आपके टीचर होंगे मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे उसका आंसर गलत ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होता, उनकी समझ से बाहर होता है, वो केवल रट्टा लगाने में रहते हैं। अगर रट्टे ही लगाने हैं तो फिर आप आईबीपीएस क्लियर करना भूल जाओ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आईबीपीएस के लिए सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कह रहा कि दिन रात इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। क्लास में आप आते हो तो क्लास में उसके ऊपर कंप्लीटली उतना फोकस कर लो कि बाद में आपको स्टडी आवर्स के लिए केवल फैक्ट के लिए ही टाइम बचे। तो आपका सब कुछ जब आपके रूम में ही तैयार हो, आपके क्लासरूम में तैयार हो गया, तो आपको घर पे बैठ के बहुत कम यानी कि जो फैक्ट होंगे वही पढ़ने पड़ेंगे हमें कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट ही तैयार करने हैं सबसे पहले इंस्टीट्यूट के अंदर आके किसी भी में, ठीक है। उसके बाद कहानी जो स्टार्ट होती है वो फैक्ट की, फैक्ट आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फैक्ट के लिए आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने फैक्ट क्लियर करने के लिए किसी को भी पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आया। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका थर्ड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू अम्बली फेरी फैमिली, इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि अम्बली फेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो आपको पता है कैरेट, पार्सनिप, सेलरी या पार्सले, ये चारों के चारों प्लांट हमारे अम्बली फेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन लेट्यूस को देखा जाए तो लेट्यूस एक ऐसा प्लांट है जो कि आपका कंपोजिट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? कंपोजिट फैमिली से, ठीक है, जो कि सनफ्लावर की फैमिली है उससे ये बिलोंग करता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन था, नंबर ऑफ परमानेंट चिक टिथ इन काउ, और ब्रैकेट में लिखा गया था प्री मोलर एंड मोलर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम करें तो आपको पता होना चाहिए यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं तो वही बात है कि अगर आपको रट्टा रटाया जो काम है तो उसके अंदर ये भी चीज नहीं दी जाती, ठीक है। देखो उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा, पहले तो अगर ये पता होगा कि प्री मोलर और मोलर टीथ कौन से हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपको किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने बिहाफ पर उनका आंसर कर सकते हो। लेकिन हम आंसर क्यों नहीं कर सकते, हमें अगर अकेला पूछ लेता कि दांत कितने होते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ सकता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्री मोलर और मोलर का नाम दिया हमने हमारे जो हालात थी वो खराब होनी स्टार्ट हो गई, है ना। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका जो है इसके अंदर प्री मोलर और मोलर परमानेंट टीथ कितने हैं, तो इसका आंसर जो था वो आपका क्या था, 24 था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टंग ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर प्रोपेगेशन, इन प्लांट में से किस प्लांट के अंदर टंग ग्राफ्टिंग जो मेथड है वो आपका प्रोपेगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सिट्रस लाइमोन के अंदर, एग्लेमार्मेलोस के अंदर, या कार्डियमेक्सा के अंदर, या प्रूनस अमाइगडलेस के अंदर, या आपका मेलस डोमेस्टिका में। तो देखो इसका आंसर जब भी हम करेंगे तो आपको पता है आपका एप्पल जो होता है, मेलस डोमेस्टिका जो है उसमें आपका टंग ग्राफ्टिंग मेथड को यूज किया जाता है। टंग ग्राफ्टिंग मेथड जो है वो आपका फॉलो अप किया जाएगा प्रोपेगेशन पर्पस के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, मेलस डोमेस्टिका। तो देखो ये आपका एग्जैक्टली याद करने वाली चीज।
लेकिन जब भी हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ये आप कहीं भी किसी भी हालात में याद करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारे 12 जो सॉइल के ऑर्डर हैं उन ऑर्डर को वेल मेंटेन तरीके से आपने एक बार दो बार पढ़ा हुआ है, क्लास आपने अच्छे से लगाई हुई है, तो मैं गारंटी देता हूं इसका आंसर आप कभी नहीं बोलोगे। किसी भी प्रकार की सॉइल के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसको रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, रट्टा लगा के हम कितनी सॉइल को याद कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चाहे कोई एक आधी सॉइल और भी दे देगा, हमें करेक्टर दे देगा उस सॉइल का, तो हम आराम से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर हमारा जो था वो वर्टिसोल था। अब देखो इतने ऑर्डर जो हैं, चाहे वो एल्फिसोल है, वर्टिसोल है, इंसेप्टिसोल है, या आपका एंटीसोल है, या एरिडिसोल है, ठीक है, या आपका एल्टिसोल्स मान लो, कोई और जो आपके 12 ऑर्डर हैं उनको मान लो, उन सभी की जब भी हम बात करते हैं तो उनको आप एग्जैक्टली याद करने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर यही क्यों हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेम द बैक्टीरिया विच सिम्बायोटिकली फिक्स नाइट्रोजन इन सीरियल्स। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आपका सिम्बायोटिकली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि सीरियल्स के अंदर यूज होता है। देखो इसका कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि ऐसी रिलेशन जिसके अंदर दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। यहां आपका बैक्टीरिया जो है वो सीरियल्स को क्या प्रोवाइड करवाएगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, और सीरियल्स जो है उसको रहने के लिए जगह और फूड प्रोवाइड करवाएंगे। इट मींस कि दोनों का आपस में क्या हो रहा है, यहां पर फायदा हो रहा है। तो इसमें से बैक्टीरिया का नाम पूछा गया था जो बैक्टीरिया के अंदर एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये हमारा एजोस्पाइरम होगा। ऑप्शन थे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, क्लोस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम। तो इसका आंसर जो था वो क्या था आपका, एजोस्पाइरम। नेक्स्ट अगर 8th क्वेश्चन की बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कट हार ब्रांच प्लांट एंड अदर वुडी शर्ब्स। जब भी हम बात करेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो कि आपकी हार्ड ब्रांचेस होती हैं उनको कट करने के लिए, या जो वुडी शर्ब्स हैं उनको कट करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाएगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने रट्टे लगाने हैं, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, जब तक ये बिल हुक किस लिए काम आता है, ग्राफ्टिंग नाइफ किस लिए काम आता है, स्केचियर किस लिए काम आता है, ट्रोलर किस लिए काम आता है, हेज स्टीयर किस लिए काम आता है, अब ये आपको पता होगा तो इसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि किस किस के लिए काम आता है, ये है क्या। एक्चुअल में अगर इमेज भी हमें पता है, माइंड में अगर इमेज आती है, जब भी हम किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी इमेज हमारे दिमाग में छप जानी चाहिए, है ना। तो जब भी हम बात करेंगे यहां पर, तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं। अब इसको सभी ने देखा हुआ है साउथ इंडियन मूवी से, कोई भी इसके अंदर जो है ऐसा पर्सन नहीं होगा आप में से जिसने साउथ इंडियन मूवी नहीं देखी होगी। और साउथ इंडियन मूवी के अंदर सबसे पहला उनकी जो AK-47 होती है वो यही होती है ना। तो उसके बिहाफ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा आंसर जो क्या होगा, इसका बिल हुक होगा। ये बिलुक है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, आपके वुडी शर्ब्स को या आपके हार्ड ब्रांचेस होती हैं उनको कट करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड ऑफ इरिगेशन डेवलप्ड इन द इजराइल एंड वेल सुटेड इन एक्यूट वाटर शॉर्टेज। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि आपका इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया गया है और जिसे आपका इजराइल के अंदर डेवलप किया गया था। अब इजराइल कंट्री के अंदर जिस मेथड को डेवलप किया गया था वो मेथड आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड है, और आप अच्छे से जानते हो कि ड्रिप इरिगेशन मेथड को हम यूज करते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, इसराइल में डेवलप हुआ मेथड है और उसको एक्यूट वाटर शॉर्टेज कंडीशन में, यानी कि जहां पानी की कमी होती है उस जगह पर उसको यूज किया जाता है। अब देखो अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसके बिहाफ पर कुछ और क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो है हमारे इंडिया के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे इंडो इसराइल जो प्रोजेक्ट है वो चला रहे हैं। और इन अगर इंडो इसराइल प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपका ऐसा प्रोजेक्ट है ये कि इसके अंदर हमारे इसराइल से इंडिया के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है, या इंडिया से इसराइल, सॉरी इसराइल से इंडिया के अंदर जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होती हैं उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है, उन्हें बताया जाता है हमारे साइंटिस्ट को कि कैसे हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करवाया जा सकता है। समझ में आया इस बात का?
तो इसकी अगर मैं बात करना चाहूं तो ये मेथड आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड है, और ड्रिप इरिगेशन मेथड को फॉलोअप किया जाता है किसके लिए, आपका इजराइल के अंदर और वाटर शॉर्टेज कंडीशन के लिए ये डेवलप वहां किया गया था। आज हम हर जगह इसको यूज कर रहे हैं, इसको ड्रिप मेथड भी बोलते हैं, ट्रिकलिंग मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, नेम द प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, उस प्रीकर्सर का नाम बताइए जो कि इंडोल एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर है। देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड तो वो है क्या, ये आपका ऑक्सीजन का नेचुरल ऑक्सीजन है एक, जिसको नेचुरली आपका सिंथेसाइज किया जाता है, नेचुरली आपका प्रोड्यूस किया जाता है, जब ये आपका बाउंड फॉर्म में नहीं होता, केवल एक्टिव फॉर्म में होता है, उसी समय इसको हमें निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का टाइप है, ऑक्सीजन आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन का प्रीकर्सर जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। तो आपका ट्रायोसिन, ग्लूटामाइन, लायसिन या आर्जिनिन है, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड, लेकिन इनकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे ऑक्सीजन के एज ए प्रीकर्सर के लिए। समझ में आया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन। तो जितने भी आपके हार्मोन हैं, जितने भी आपके प्लांट हार्मोन हैं, उन प्लांट हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो उनके आपके अलग अलग प्रीकर्सर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्लास के अंदर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि किस प्लांट के किस हार्मोन के लिए कौन सा प्रीकर्सर है, और वही आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट आपका है, व्हाइट लेबल्ड सीड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सीड, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया के अंदर टोटल 4 क्लासेस हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर हमारी जो है 5 क्लासेस हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस सीड होता है, उसके बाद ब्रीडर सीड होता है, उसके बाद आपका फाउंडेशन सीड आता है, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड, और उसके बाद आपका सर्टिफाइड सीड आएगा। तो जब भी हम बात करेंगे इन 5 क्लासेस की, तो 5 क्लासेस के लिए अलग अलग आपके कलर हुए हैं, जो कि टैग होते हैं, टैग के कलर होता है, आपका एक बैग होता है, बैग के ऊपर एक टैग लगा होता है। तो अगर न्यूक्लियस सीड की बात करूं तो उसके ऊपर आपका कोई भी टैग नहीं होता। ब्रीडर सीड के ऊपर आपको पता है गोल्डन येलो होता है, और अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूं तो उसके ऊपर आपका व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का टैग। और अगर सर्टिफाइड सीड की बात करता हूं तो वो आपको पता है इसके ऊपर आपका अजार ब्लू कलर। देखो अब इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपको पता होना चाहिए अजार ब्लू कलर है, ठीक है। कई बार ब्लू कलर और अजार ब्लू कलर दोनों आ जाते हैं, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, अजार ब्लू कलर होगा। और रजिस्टर्ड सीड हमारे इंडिया में है तो नहीं, लेकिन इसका कलर जो आपका टैग होता है वो आपका क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। और जब भी हम बात करेंगे इनके साइज की, तो इनके बैग के ऊपर जो कलर का टैग होता है उसका साइज भी होता है। तो ब्रीडर जो आपका टैग होता है उसका साइज होता है 12x6 cm, और ये दोनों आपके सेम होते हैं 15x7.5 cm। तो आपको याद होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो क्लास है वो किसके बाद आती है। अभी आपकी नैनीताल बैंक के अंदर जो एसओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आपका सर्टिफाइड सीड है वो किसकी प्रोजनी है, तो ये हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ठीक है, ना कि बाहर की कंट्री के अकॉर्डिंग। अगर वैसे होता तो फाउंडेशन के बाद आपका रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड के बाद सर्टिफाइड आता, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग फाउंडेशन के बाद हमारा डायरेक्टली कौन सा सीड आता है, सर्टिफाइड क्लास आती है। तो इसका आंसर हमारा क्या था, इसका अगर मैं बात करूं तो व्हाइट लेबल सीड का जो टैग की बात करता हूं तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, फाउंडेशन सीड होगा, क्योंकि इसी का टैग का क्या, इसी का टैग होता है वो क्या होता है आपका, व्हाइट होता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विच रॉक मिनरल इज सोर्स ऑफ बोरोन, कि कौन सा रॉक मिनरल है जो कि सोर्स है किसका, बोरोन का। तो गाइस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि रॉक मिनरल्स जितने भी हैं उनको हमें याद नहीं, उनको हमें समझना पड़ेगा। अगर ये भी एक बार समझ में आ गया कि कौन सा जो आपका रॉक मिनरल है जिसके अंदर कौन कौन से आपके मिनरल कंटेंट होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बार बार रटना नहीं पड़ेगा, केवल एक बार समझना पड़ेगा, और उसी के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्जाम के अंदर उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कितना, अब मैं वही बोल रहा हूँ रटने के बारे में, क्यों बोल रहा हूँ कि रटेंगे हम कितना, हम किस किस चीज को रट सकते हैं, ये देखो कितना रटेंगे। अगर रटने पे आ जाएं तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है आपका, हम इतना नहीं पढ़ सकते। हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यूस रिवीजन करना पड़ेगा, और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली जो बात है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा।
जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बेसिक। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि बेसिक क्लियर करो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर मत करो, लेकिन मुझे एक बात कहो, क्या बेसिक पॉसिबल है विदाउट कॉन्सेप्ट? होता क्या है, कॉन्सेप्ट है तो बेसिक ही ना, दूसरा नाम उसका बेसिक ही है। कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है? बेसिक। और बेसिक मतलब क्या है कि आपको नॉर्मली जानना पड़ेगा कि क्या चीज है ये। जैसे ही आपने उसको जान लिया तो उसको आपका आंसर आराम से हो सकता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट में हम उसको डेप्थ में लेके चले जाते हैं और उसकी एक एक चीज को निकाल के लेके आते हैं। और बेसिक का मतलब ये होता है कि उसका बेस जानना, उसका आराम से उसके हर एक चीज के बारे में पता करना। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों में हमें समझना पड़ेगा कि आपका कौन सा न्यूट्रिएंट है जो किस जो आपके रोग के अंदर, किस रोग के अंदर उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? मेलाइन। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल। इनमें से कौन सा है जो कि बैक्टीरियल डिजीज नहीं है कैटल का? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक टंग, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्रुसेलोसिस या आपका क्लेमाइडिया बोरन। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ब्लैक क्वार्टर या फिर आपका हेमरेजिया सेप्टिका या आपका ब्रुसेलोसिस या आपका क्लेमाइडिया बोन, कि ये किससे आपके डिजीज कॉज होते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्लू टंग जो है वो आपका एक वायरल डिजीज है, ठीक है? तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? आपका ब्लू टंग होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है आपकी, ठीक है, कि वायरल डिजीज जो है वो कौन कौन सी है और हमारे एनिमल्स के अंदर जो आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं वो कौन कौन से हैं। इनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, एक बार माइंड के अंदर बैठा लेना और पूरा का पूरा नोट जो है वो आपको एक जगह पर सारी की सारी चीजें क्लेरिफाई फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट आपकी बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में जब मैं बात करता हूं तो बोवाइन ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, पैराट्यूबरक्लोसिस या आपका हेमरेजिक सेप्टिसेमिया या क्लेमाइडोसिस या लेप्टोस्पायरोसिस या आपका कॉन्टेजियस बोवाइन ल्यूरोनिमोनिया या आपका एंथ्रेक्स जो है, ये सारे के सारे डिजीज क्या हमारे बैक्टीरियल हैं। तो गाइस इनको समझना पड़ेगा कि कौन सा डिजीज जो है किस आपके कैटेगरी से बिलोंग करता है या कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन था, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सूरा डिजीज। देखो कहीं भी इस चीज को समझने के लिए हमारा एक इसका आंसर जो है वो आपका फिर कहीं ना कहीं एक ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो आंसर था, अब देखो जहां भी आप देखोगे, जब भी आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि ये क्या है कैसे है, तो आपको पता लगेगा, इसको सर्च करने पे आपको एक ही चीज मिलती है कि ये जो डिजीज है इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड हमारा जो है 1 to 2 weeks होता है या आपका 1 to 3 weeks होता है, यानी कि 7 to 14 days या आपके 7 to 21 days, ठीक है। यानी कि अब इसमें बात करें तो 7 to 14 या 7 to 21, तो देखो यहां मंथ्स की बात हो रही है, केवल डेज की बात यही हो रही है, यहां आवर्स की बात हो रही है और वो भी कितने, 12 to 14 hours, यानी कि वन डे की बात हो रही है लेकिन कहीं नहीं है, लेकिन ये 1 to 3 days है तो ये भी कहीं नहीं है, लेकिन इसका आंसर किस हिसाब से होगा, 1 to 2 weeks या 1 to 3 weeks। तो इसके अंदर आपका देखा जाए तो 5 to 30 days के अंदर हमारा आंसर जो है यहाँ पर है, आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 5 to 30 days। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एंथेरिया एस्मेंसिस इन विच टाइप ऑफ सिल्क, कि एंथेरिया जो एस्मेंसिस है वो किस टाइप की सिल्क है। इसके ऑप्शन थे म्यूगा सिल्क, टसर सिल्क, यूनिवोल्टाइन प्रोड्यूस मलबरी सिल्क, बाई एंड मल्टीवोल्टाइन प्रोड्यूस मलबरी सिल्क एंड आपका रफ सिल्क। इनमें से आंसर आपका क्या होगा? तो देखो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसके जो ऑप्शन जो थे वो थोड़े बड़े दिए गए थे, लेकिन जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपके मोस्ट कॉमनली जो आपके ऑप्शन निकाल के लेके आए हैं वो सारा का सारा एज इट इज जो आपके IBPS PO में दिए हुए थे। मोर देन 30 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिनका ऑप्शन और जिनका क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज हमने भी चेंज नहीं की है, केवल एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्वेश्चन की और ऑप्शन भी सेम ही है। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में कहीं भी आपका मिनिमम डिफरेंस नहीं दिख रहा, जो भी चीज है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्लियरली डिफाइंड है हर एक चीज से, ठीक है। देखो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, म्यूगा सिल्क होगा। तो आपको पूरा का पूरा कंफर्म करवा देता हूं, ये आपके TNU के नोट्स के अंदर एग्जैक्टली दिया गया है कि ये आपका कौन सा सिल्क है, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका आसाम स्टेट के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, म्यूगा सिल्क है, समझ में आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16, रेशियो ऑफ रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड इज कॉल्ड, क्या बोला गया कि रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल, कि आपके 50% प्रोबेबिलिटी लेवल पर रेनफॉल और जो आपका पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होता है एक सिमिलर या सिंगल टाइम के अंदर, वो हमारा उनका रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है। तो जब भी इसकी बात करेंगे तो आपको कई बार इसका आंसर जो है वही बात, आप या तो मॉइस्चर कैप्चरिंग करोगे या आपका मॉइस्चर डेफिशिएंट करोगे, कई बार इसका आंसर जो है आप एरिडिटी इंडेक्स भी कर देते हो। तो देखो इसको समझने के लिए आपको यहां पर समझना पड़ेगा पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, ये इंडेक्स एक एक इंडेक्स को जानना पड़ेगा आपको, क्लास के अंदर अच्छे से करवाया गया है कि कौन सा इंडेक्स जो है हमारा किस काम में आता है, किस इंडेक्स के द्वारा हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका प्रोबेबिलिटी क्या करना पड़ेगा हमें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक चीज को समझना पड़ेगा, तभी इसका आंसर पॉसिबल है। अगर इस चीज को आपने ऊपर से निकाल दिया तो मैं गारंटी देता हूं आपका आंसर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कह सकते, इसको समझदारी का क्वेश्चन कह सकते हैं, कि अगर आपको समझ में आ गया तो गारंटी देता हूं इसका आंसर आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, सॉरी ऑप्टिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, या हमारा इसको बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, मॉइस्चर अवेलेबल इंडेक्स। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, मॉइस्चर अवेलेबल इंडेक्स। नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, कि आपकी जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कि जब भी हम बात करते हैं फाइबर की तो हमारे टोटल फाइबर कितने हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखो फाइबर क्रॉप जो है हमारे इंडिया के अंदर मेनली दो क्रॉप हैं, एक जूट और एक कॉटन, उसके बाद वेस्टा भी आती है, लेकिन मेन क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कहीं ना कहीं कॉटन और जूट है। कॉटन को हम जो है बैकबोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कॉटन जो है वो आपका बैकबोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अगर जब भी हम बात करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपका आंसर रहेगा कि आपका जब भी बात करते हैं कि सिल्वर फाइबर और आपका दूसरा क्या है कॉटन और जूट, इसके दो ऑप्शन है। सिल्वर फाइबर, फाइबर जो है आपकी दोनों है, एक आपका कॉटन, देखिए कॉटन जो है बिल्कुल व्हाइट है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिल्वर कलर से आपका क्या कर रहा है इसको मैच किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जूट, जूट जो है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही कहीं ना कहीं अपने कलर से कोरिलेट कर रहे हैं। देखो याद करने का तरीका बोल दो, कोरिलेट करने का तरीका बोल दो, जो मर्जी बोल दो, लेकिन हमें याद करना है तो उसके हिसाब से हम क्या याद कर सकते हैं कि आपका व्हाइट इन कलर होता है क्या कॉटन, और उसके भी हाफ पर हमारा सिल्वर कलर हम जो है कहीं ना कहीं उसको डिनोट करते हैं। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो आपका किसकी वजह से आया था, कॉटन की वजह से आया था। इसका आंसर आपका क्या होगा, कॉटन। और बाकी आपको पूरे के पूरे रेवोल्यूशन का एक टेबल दे दिया गया है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन आपके ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, ग्रीन रेवोल्यूशन आपके फूड ग्रेन से, और इसमें आप लिख भी सकते हो यहाँ पर राइस और वीट। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लू रेवोल्यूशन, देखो ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है आज ब्लू है पानी पानी, आपने सॉन्ग जो है अच्छे से सुना हुआ होगा। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इस सॉन्ग की तो वो हमारा पानी, पानी क्या है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू पानी है तो उसमें आपकी फिश प्रोडक्शन होती है, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो ये कोई वो नहीं है कि आपका ऑथेंटिक है, लेकिन इसको ये बोल सकते हैं कि याद करने का कहीं ना कहीं क्या है हमारा तरीका हो सकता है। और गोल्डन फाइबर की हमने बात की अभी, तो वो आपका क्या होगा, जूट होगा। और गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा हनी प्रोडक्शन से, फ्रूट से, हॉर्टिकल्चर से आपको इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रे रेवोल्यूशन जो कि फर्टिलाइजर से है, पिंक रेवोल्यूशन आपका अनियन या ब्राउन कल्चर से है, या आपका प्रोटीन जो है जिसे हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और आपका ग्रीन जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो आपका एग प्रोडक्शन से, और सिल्वर फाइबर जो आपका एग्जाम में पूछा गया था वो आपका कॉटन से है। रेड रेवोल्यूशन जैसे कि आपका मीट जो है कहीं ना कहीं काटते हैं तो ब्लड निकलता है, और ब्लड से आपको याद करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, रेड कलर है, और वहीं से टोमेटो का भी रेड कलर होता है, और उसी से आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, मीट प्रोडक्शन या टोमेटो प्रोडक्शन क्या है आपका, रेड रेवोल्यूशन है।
नेक्स्ट आपका है राउंड रेवोल्यूशन जो कि पोटैटो, येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन, और व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका मिल्क प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेम द फर्टिलाइजर विच इज नॉट सूटेबल सोल्यूबल इन द सिट्रेट बट इन सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि सोल्यूबल नहीं है सिट्रेट के अंदर, सोल्यूबल है सिट्रेट के अंदर लेकिन आपका इनसोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसकी जब भी हम बात करेंगे तो आपके फाइव ऑप्शन थे, फ्लोक फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपरफॉस्फेट या डाई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका हमारा आंसर क्या था, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टेबल आपको प्रोवाइड करवाया गया है, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फोरिक एसिड और आपके वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरिक एसिड या आपका जो है कहीं ना कहीं फॉस्फोरिक एसिड नॉट सोल्यूबल इन वाटर एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका क्वेश्चन था द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सोइल टू लोअर लेयर ऑफ डाउनवर्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर अक्रॉस सोइल होरिजन टर्म्ड यूज्ड फॉर इट इज। देखो इसका अगर हम बात करें तो आपके सामने ऑप्शन थे एलुविएशन, इलुविएशन, पोर्जोलाइजेशन, लेटराइजेशन, ग्लीजेशन। अगर आपको ये टर्म समझ में आई हुई है, अगर ये टर्म समझ में आई हुई है, ये टर्म समझ में आई हुई है मींस कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या, बात किसकी कर रहे हैं, तो गारंटी देता हूं आपको जिंदगी भर इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन का आप क्वेश्चन आया तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि एलुविएशन या इलुविएशन क्या है, कम से कम ये दोनों तो समझा देता हूं, कहीं ना कहीं टाइम कम है तो इन दोनों को बताना आपका लिए। देखो सबसे पहले हमारा ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन आपके आर आ जाता है, इसके ऊपर आपका ओ ओरिजिन होता है लेकिन ओ ओरिजिन जो है वो हमारा ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है तो इसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन ए ओरिजिन जो होता है वो आपका हर जगह अवेलेबल होता है और इस ओरिजिन को हम बोलते हैं एलुविएशन। क्यों बोलते हैं अभी आता हूं एक मिनट। और दूसरा हमारा बी ओरिजिन जो होता है वो हमारा होता है इलुविएशन ओरिजिन। तो इसको समझो, यहां पर आपका ई और आई, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आप एक चीज को देखो कि ई पहले आता है या आई आता है, ऑब्वियस ही बात है हमारा ई पहले आता है और आई बाद में आता है, उसी प्रकार से यहां पर भी आपका ई ओरिजिन एलुविएशन से आपका समझ लेना पहले आएगा और आई जो है वो बाद में आएगा। अब देखो यहां इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट ओरिजिन, क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट, और इसको हम बोलते हैं वॉशिंग इन ओरिजिन। इस बात को यहां पर समझो कि वॉशिंग इन या वॉशिंग आउट में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर यहां पर क्या बोला जाएगा कि जब इसमें से न्यूट्रिएंट आपके लीच आउट होकर डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएं तो वो हमारा है वॉशिंग आउट, और इसमें हमारे यहां से न्यूट्रिएंट जो है वो यहां पर आ जाते हैं और यहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, वो हमारा होता है वॉशिंग इन होरिजन। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम क्या बोलते हैं इसको, एलुविएशन या इलुविएशन होरिजन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिविजन एंड फॉर मेकिंग न्यू प्लांट इज, कि कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नए प्लांट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जब भी मैं बात करता हूं तो टोटल आपके हार्मोन जो है वो 9 हार्मोन है, लेकिन इंपॉर्टेंट हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो आपके टोटल यहां पर है 5 हार्मोन है। ठीक है, अभी तक जो टोटल सर्च हार्मोन है, रिसर्च किए गए हैं वो हमारे 8 या 9 हार्मोन है, लेकिन 5 हार्मोन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है आपके ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन। ये पांचों हार्मोन जो है इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें से 3 आपके ग्रोथ प्रोमोटर हैं और 2 आपके ग्रोथ रिटार्डेंट है, लेकिन उनके भी फंक्शन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं या आपस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ इनमें भी वेरिएशन आ जाती है, लेकिन वेरिएशन जो आती है वो आपकी एक्सेप्शनल केस में आती है और उन केस में क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब ये चीजें आपको पता रहेगी तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को या इन जैसे क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज्यादा इजी होगा। जब भी हम बात करेंगे यहां पर आपकी सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में नाम आता है साइटोकाइनिन का, और सब सेल इलोंगेशन या सेल आपका एनलार्जमेंट का नाम आता है तो आपका ऑक्सिन का नाम आता है। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेल को एनलार्ज करने में काम करता है, लेकिन साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेल का डिवाइड करने में काम आता है। साइटोकाइनेसिस आपने नाम सुना होगा, साइटो मींस कि आपका साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब उसका डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद जो बनता है वो आपका साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, उससे आपकी नई सेल आपकी बनती होती है।
ठीक है। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा तो आपका ऑक्सिन हार्मोन है और ऑक्सिन सॉरी साइटोकाइनिन हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है और नए प्लांट को नए टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है, वहां पर रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं इसका आंसर आपका क्या था, साइटोकाइनिन हार्मोन था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ले फार्मिंग इज, अब देखो ये क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था। देखा जाए तो आप देखिए सबसे पहले रेयरिंग ऑफ लेयर ब्रीड, रेयरिंग ऑफ ब्रॉयलर ब्रीड, साइंटिफिक मेथड ऑफ लेयरिंग इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, रोटेशन ऑफ लेग्यूमिनस पास्चर विद ग्रेन क्रॉप या रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब भी हम इसमें बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ना तो लेयर के लिए है, ना ब्रॉयलर के लिए है, ना हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए है, ना पोल्ट्री बर्ड्स के लिए है। तो आपको पता होना चाहिए ले फार्मिंग जो होती है वो फोडर ग्रेन क्रॉप से होता है हमारा, कहीं ना कहीं देखा जाए उससे कोरलेट जो क्रॉप ग्रो करवाते हैं वो हमारी ले फार्मिंग के अंतर्गत आती है। इसमें केवल एक ही चीज जो थी वो दिखा रही थी कि रोटेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप, रोटेशन ऑफ लेग्यूमिनस पास्चर विद ग्रेन क्रॉप, यानी कि लेग्यूमिनस पास्चर मींस कि वो क्रॉप जिनके अंदर आपकी लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर आती हैं और वो पास्चर के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी बरसीम, तो उनको रोटेशन करवाना वो हमारा क्या है यहाँ पर ले फार्मिंग आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका क्वेश्चन था विच डिजीज ऑफ पिग इज कॉज्ड बाय इंटरसेलुलर पैरासाइट रिजल्टिंग इन ब्लड डायरिया। ऐसा कौन सा आपका जो है डिजीज है जो पिग के अंदर होता है जिसकी वजह से ब्लड डायरिया जो आपका होता है वो कॉज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कोक्योडायसिस, स्वाइन डिसेंट्री, या आपका पोक्राइन पोरोवायरस, या आपका पास्टर लोसिस, या आपका एक्जुडेटिव डर्माटाइटिस, ठीक है। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, स्वाइन डिसेंट्री जो है वो इसका आंसर होगा, जिसको हम एज ए आंसर मान सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपका ब्लड डायरिया। देखो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके जो आपका एक्सक्रीट होता है उसके साथ में कहीं ना कहीं आपका ब्लड जो होता है वो आपका साथ में आता है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के अंदर आपके पिग की हालात जो होती है वो खराब हो जाती है और उसकी क्वालिटी जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता, किसके लिए, मीट पर्पज के लिए, ठीक है। तो स्वाइन डिसेंट्री उसमें उस समय स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है इसमें से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिजीज विच इज नॉट कवर्ड और प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन, देखो इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि आपका वैक्सीनेशन के द्वारा उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपका रेबीज, फुट एंड माउथ डिजीज, ब्लैक क्वार्टर, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, या आपका मिल्क फीवर, पांच ऑप्शन थे। पांचों में देखो अब यहां पर आपको जो है सोचना नहीं था, ये नहीं कि आपने दिमाग लगाना था ये करना था, इसमें एक चीज सोचो जस्ट छोटी सी, वो क्या कि आपके बाकी जो डिजीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके वायरस या फंगस से कहीं ना कहीं कोरिलेट दिख रही हैं, लेकिन एक आपका मिल्क फीवर जो कि ना तो डिजीज है ना कुछ और, ये आपका क्या है, डिसऑर्डर है। क्या है, डिसऑर्डर है। और ये आपका डिसऑर्डर ऐसा होता है जिसके अंदर आपके कैल्शियम की, ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, कैल्शियम का लो लेवल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम हाइपो कैल्शियमिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक डिसऑर्डर है जो कि वैक्सीनेशन से ट्रीट नहीं होगा, यहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। समझ में आया गाइस, इसका आंसर हमारा क्या होगा, मिल्क फीवर, जो कि आपका वैक्सीनेशन के द्वारा जो है कवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपका जो है, अब देखो जितने भी डिजीज आपके वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल होते हैं उनकी लिस्ट हमने प्रोवाइड करवा दी आपको, इन लिस्ट को एक बार देख लेना, फुट एंड माउथ डिजीज, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, ब्रुसेलोसिस, या आपका इंफेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकिल, या आपका रेबीज, या आपका एंथ्रेक्स, ये सारे के सारे डिजीज जो है वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल इनको किया जा सकता है। या आपका विच प्रोड्यूस मल्टीपल फ्रूट साइकोनियम, देखो ये 24th क्वेश्चन है कि कौन सा आपका जो है फ्रूट वो आपका मल्टीपल फ्रूट साइकोनियम, ये आपका इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, ठीक है। इनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, एक आपका ओवरीज होती है वो एनक्लोज इस प्रकार से रहती है और उसमें आपके मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं और बाद में वही मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लावर जो है प्रोड्यूस कर और आपका एक ही फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं और ये कंडीशन आपकी फिग के अंदर देखने को हमें बार बार है मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फिग होगा, अंजीर होगा, जिसको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। और मैं आपको अच्छे से, अब देखो यहां पर जो इमेज के अंदर ये अच्छे से इतना शो नहीं हो रहा, देखिए प्रॉपरली इसकी
साइकोनियम के अंदर क्या होता है, ये आपका फ्लावर होता है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो है ये रहता है पोर्शन, और यहाँ ये नंबर ऑफ फ्लावर है, ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है, ये कई नंबर ऑफ फ्लावर है, और यही नंबर ऑफ फ्लावर देखिए यहाँ पर मेल फ्लावर अलग से शो हो रहा है, फीमेल फ्लावर आपका अलग से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। और देखो इसमें आपको याद क्या करना था, समझना था, यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट थी यहाँ पर, कि इस लिस्ट के अंदर जो भी आपका प्रेजेंट था उसको आप याद कर सकते थे, ठीक है। मैंने लिस्ट आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड करवाई हुई है, लेकिन यहाँ नहीं, आपके कोर्स के अंदर, उस कोर्स में आप देखोगे कि इजिली आपकी हर एक चीज प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन, लेकिन मोर देन 30 क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा का पूरा नोट्स के अंदर कवर किया गया है। मैंने आपको नोट्स के अंदर अलग से एक चीज प्रोवाइड करवाई हुई है, वो क्या, जैसे ही नोट्स कवर होते हैं उसके अंदर आपको हर एक चीज का अलग से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। वो आप देख लेना, जब आप देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि मैंने क्या किया हुआ है, किस हिसाब से जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम के टाइम पर आप क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होगा कि आप जो है उन चीजों को पढ़कर आराम से पास हो सकते हैं। अगर आपको एक बार समझा दिया जाए उसके बाद आप उनको पढ़ लेते हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी हम बात करते हैं आपके ग्राउंडनट के अंदर, जो आपका बड नेक्रोसिस जो है वो एक ऐसा डिजीज है जो कि थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ये आपका एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और इस वायरल डिजीज की अगर बात करूं तो ये आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, कि कोज जो होता है वो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस के नाम से होता है। क्या रहता है आपका पूरा का पूरा जो है, कहीं ना कहीं आपने अगर देखा हो कभी तो आपका जो लीफ होता है उसके ऊपर स्ट्रीक्स आ जाती हैं, धारियां सी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बाद आपका लीफ में से, लीफ के अंदर जो है नेक्रोसिस आना स्टार्ट हो जाता है। देखो नेक्रोसिस क्या है, एक्चुअल में नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ सेल, ठीक है। उसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं यहां पर कि आपका नेक्रोसिस जो होता है वो आपका गलना या सड़ना होता है, एक्चुअल में गलना या सड़ना नहीं है, नेक्रोसिस आपका डेथ ऑफ टिश्यूज है, जिसके अंदर क्या होता है पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है, वो आपका मर जाता है, डेड हो जाता है प्लांट, ठीक है, ये कंडीशन रहती है। नेक्स्ट आपका 26th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत किया हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं गाइस, इस चीज को तो हर एक पर्सन गलत कर रहा है जब भी हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है और एक आपका फ्रीजियन वाला है, ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट थी, यहां पर आपको सोचने की रिक्वायरमेंट थी। अब देखना मैं बताता हूं कैसे, अगर आपको ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से तैयार है, अगर आपको अच्छे से पता है कि किस टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, तो आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो। इसके देखो ऑप्शन पढ़ता हूं, सिल्वी कल्चर, ओलेरी कल्चर, टोंगिया सिस्टम, पास्टोरल सिस्टम या सैल्विया। देखो जब भी हम बात करते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी की, तो आपको हर एक टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब यहां पर आपका आंसर जो है वो क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो सिल्वी कल्चर, आप नहीं, मोर देन 90% स्टूडेंट इसका आंसर क्या करने वाले हैं, सिल्वी कल्चर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि सिल्वी कल्चर क्या होता है, सिल्वी कल्चर होता है जब आप हॉर्टिकल्चर या लार्ज ट्री के बीच में अपनी क्रॉप को ग्रो करवाते हो, लेकिन कभी भी ग्रो करवा सकते हो, क्या इसके अंदर कोई बाउंडेशन होती है, नहीं। लेकिन आपका इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, टोंगिया सिस्टम। अब देखो टोंगिया सिस्टम क्या होगा, जैसे ये आपकी क्रॉप जो है वो लगाई गई है, देखो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट इनिशिएट करवाती है इसके लिए, इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको 4 या 5 साल के लिए लैंड दिया जा रहा है, उसके ऊपर आपको ट्रीज लगा के दिए जाएंगे, और उन ट्रीज को प्रेजेंट रहते हुए आपको वहां पर खेती करनी है, आपको वहां पर क्रॉप ग्रो करवाना है। अब क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट को मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट वहां पे जब उनको फील्ड को प्रोवाइड करवा देगी तो उन प्लांट की मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली या तो जो है किसान करेगा या जो आपके जंगल के कर्मचारी हैं वो करेंगे। ये जमीन या तो किसानों को दी जाती है या आपके जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो पर्सन होते हैं, गार्ड होते हैं, उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें उनकी जिम्मेवारी रहती है कि वो पेड़ पौधों को भी जो है उनको संभालेंगे, ठीक है। तो ये आपका अर्ली स्टेज में उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ये आपका किसके लिए होता है, टोंगिया सिस्टम होगा, इसका आंसर हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आपका ई कोर्स जो आपका है आईसीआर का, उसके आप देख सकते हैं, वहां पर इजीली आप डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। सिल्वी कल्चर वहां क्या लिखा गया है, इन दिस सिस्टम एग्रीकल्चर क्रॉप आर इंटरक्रॉप विद ट्री क्रॉप इन इंटरस्पेस बिटवीन ट्रीज।
Under this system, agriculture crop can be grown up to 2 years under protective irrigation condition and under rain-fed farming up to 4 years. ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपकी उस एग्रीकल्चर क्रॉप की बात की जा रही है जो कि वहां पर रेनफेड कंडीशन में या आपका इरिगेटेड कंडीशन के अंदर आपकी क्रॉप के साथ में जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है उसके साथ में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका टोंग्या सिस्टम, उसमें डेफिनेशन एग्जैक्ट है कि टोंग्या सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर बाय विलेजर्स एंड समटाइम फॉरेस्ट प्लांटेशन वर्कर आर गिवन द राइट, उन्हें अधिकार दिया जाता है, ये लीगल एक्शन के लिए दिया जाता है कि आप एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जब तक फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता शुरुआत में तब तक आप वहां पे क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो। समझ में आया। नेक्स्ट आपका है विच मिनिस्ट्री हैव नाउ मर्ज्ड जल शक्ति हैड लॉन्च्ड गोवर्धन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल शक्ति क्या है। जल शक्ति हमारी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री बनाई गई है और ये दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया गया है इसमें। और उन दोनों मिनिस्ट्रीज के नाम की बात करूं तो आपकी पहली मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका कहीं देखा जाए सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है उसके अंदर दो आपकी मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी? एक मिनिस्ट्री आपकी है वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन और दूसरा आपका है वाटर सॉरी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री को आपको मिक्स करके एक जल शक्ति बनाया गया है। लेकिन इसमें पूछा क्या हुआ है कि गोवर्धन स्कीम जो है वो उन दोनों में से किस में से आपकी लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोवर्धन जो स्कीम है वो अप्रैल 2018 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर से जो आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर गोवर्धन के अंदर फुल फॉर्म आप देख सकते हैं गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो ये आपका मेनली जो ग्रामीण एरिया था वहां पर उस गोबर का जो आपका स्मेल रहता था या गोबर जो था उसके एरिया को रिड्यूस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, यानी कि सैनिटेशन के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री के अंडर भी किसमें आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो थोड़ा सा यहां पर अगर अंदाजा भी लगाते आप जो समझने की कोशिश करते तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है अभी रिसेंटली मई 2019 के अंदर इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है और दो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रूरल डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को यहाँ पे मर्ज किया गया है और उसके द्वारा इस मिनिस्ट्री को यहाँ पर लॉन्च किया गया था मई 2019 के अंदर जब रिसेंटली आपकी मोदी गवर्नमेंट बनी थी तब इस मिनिस्ट्री को आपका नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28 कंडीशन व्हेन टू बैचेस ऑफ मेल फ्लावर आर सेपरेटेड बाय ए बैच ऑफ फीमेल फ्लावर इन बिटवीन। क्या बोला गया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपके दो बैचेस ऑफ मेल फ्लावर होते हैं उनके बीच में एक बैच आपके फीमेल फ्लावर का निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 3 साल का पीरियड है तो दो एक बार आपका मेल आ जाए फिर आपका फीमेल फिर आपका मेल फिर आपका फीमेल मतलब ऐसे आपका सीक्वेंस में आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर क्या होगा? डायकोगेमी या आपका डायकोगेमी या हर्कोगेमी या डुओ डायकोगेमी या हेट्रोडायकोगेमी। तो देखो इसका आंसर आपको जो है हर एक कंसेप्ट क्लियर है। देखो फिर वही बात आ जाती है ये बेसिक या कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डुओ डायकोगेमी होगा और ये पूरा का पूरा ब्रीडिंग जो है पोर्शन में आपको अच्छे से करवाऊंगा कि इसके अंदर क्या और कैसे होता है। जब ये समझ में आ जाएगा तो देखो ये अगर मैं डुओ डायकोगेमी की बात करता हूं तो ये बहुत रेयर प्लांट में होता है, कुछ एक प्लांट में इसको हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उनमें से आपका एक प्लांट आपका जो है चाइनीज ट्री स्पीसीज है जिसको हम ब्रेडेलिया टोमेंटेसा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका 2 ईयर का पूरा सिक्वेंस दिखाया गया कि आपका ऑर्डर के अंदर मेल फीमेल मेल आपका इस सिक्वेंस में क्या रहता है आपका फ्लावरिंग आती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कह सकते हैं कि इन चीजों को अब देखो एग्जाम में क्या कुछ पूछा जा रहा है कभी इन चीजों को सुना आपने नहीं होगा लेकिन ये एग्जाम में आ रहे हैं। इट मींस क्या है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को पढ़ना। देखो बेसिक आपका क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आया। नेक्स्ट आपका क्या होगा? 29 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लो रिलीज। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था हम भागकर क्या करेंगे स्लो रिलीज को आंसर जो है कर देंगे लेकिन सॉरी
इसके अंदर ये पूछा गया था कि स्लो रिलीज जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन सा आपका फर्टिलाइजर है जो कि धीरे धीरे रिलीज होगा, ये सॉरी जल्दी जल्दी रिलीज होगा लेकिन स्लो रिलीज नहीं होगा। तो आपका अमोनियम सल्फेट, सल्फर कोटेड यूरिया, नेचुरल ऑर्गेनिक सल्फोसाइल सल्फोनाइल यूरिया या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आपने पढ़ा हो तो आपका सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये तीनों के तीनों आपके रिसेंटली आपके ऐसे तैयार किए गए हैं जिनको आप बोलते हो क्या, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। नेचुरल ऑर्गेनिक अपने आप में ऐसे ऑर्गेनिक्स होते हैं जो कि धीरे धीरे नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। सल्फोनाइल यूरिया भी एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि हार्ड कोटिंग जो आप बोल सकते हैं इसको ग्रेन्यूल्स, और इसमें भी आपका नाइट्रोजन जो है वो आपका धीरे धीरे रिलीज होता है। लेकिन अमोनिया सल्फेट जो है एक ऐसा आपका फर्टिलाइजर है जो कि क्या है, जल्दी रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, 30th क्वेश्चन आपका कहता है कि येलो कलर जो होता है मिल्क का वो किसकी वजह से होता है। तो आपका येलो कलर जो है मिल्क का वो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक कोलोस्ट्रम की बोतल दिखाई गई है, एक आपके फर्स्ट मिल्क की दिखाई गई है, दोनों में देखिए कोलोस्ट्रम आपका बहुत ज्यादा आपका कहीं ना कहीं येलो दिख रहा है आपके कंपेरिजन टू मिल्क के, ठीक है नॉर्मल मिल्क के। तो आपका ये जो ग्रीन सॉरी येलो जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका येलो हुआ है बीटा कैरोटीन की वजह से, किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना हूं ये आपका 31st क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसमें पूछा गया था कि ये पर्टिकुलरली कोई पोल्ट्री डिजीज है और इसके साथ में ये आपका कोजल ऑर्गेनिज्म है तो दोनों आपस में कैसे मैच करेंगे। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया था ब्लू कॉम जो है वो वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल है। फोल्ड डाइपोड पूछा गया था कि ये फंगल है या आपका वायरल है या बैक्टीरियल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कॉम की जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका एक वायरल डिजीज है, जब भी हम बात करेंगे फोल्ड डाइपोड की तो ये आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जब भी हम बात करेंगे यहां पर एस्परजिलोसिस की तो ये आपका एक फंगल डिजीज है। ठीक है, तो इनके आंसर आपको तभी पता होंगे जब आपने इनको एक बार रिवीजन से या आपके आंखों में से एक बार इन क्वेश्चंस को हमें निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका पूरा का पूरा ये टेबल दे दिया गया है जो कि आपका एग्रीकल्चर जो TNU है वहां पर इसको प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच इज करेक्ट मैच फॉर इंडिकेटर प्लांट। अब देखो इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं कि पर्टिकुलरली अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाए सोइल के अंदर तो उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकेंगे, कैसे उस न्यूट्रिएंट को हम जान पाएंगे। ठीक है, कि उस न्यूट्रिएंट की हमारे सोइल के अंदर कमी हो चुकी है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर प्लांट होते हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही अगर थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट कम हुआ तो उनकी जो है डेफिशिएंसी शो अपने आप कर देते हैं अपने आप के अंदर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, देखो शुगर बीट दिया गया है, जिंक डेफिशिएंसी दिया गया है। ठीक है, कॉलीफ्लावर जो है वो आपका बोरोन या मोलिब्डेनम के लिए दिया गया है, आपका जो वीट है वो आपका मैग्नीशियम और कॉपर के लिए दिया गया है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका सीरियल्स जो है कॉपर डेफिशिएंसी के लिए एज ए हम यूज करते हैं उनको क्या, इंडिकेटर प्लांट मैं मानता हूं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पर्टिकुलरली इसमें सिम्टम्स शो नहीं करेगा, तो वीट के लिए मैग्नीशियम और कॉपर कभी नहीं आएगा, शुगर बीट के लिए जिंक भी डेफिशिएंसी कभी सिम्टम्स शो नहीं करेगा, सॉरी इंडिकेशन प्लांट है जी यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन कॉलीफ्लावर के लिए आपको पता है बोरोन और मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी के लिए इनको यूज किया जाता है, किसके लिए, एज ए इंडिकेटर प्लांट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, कॉलीफ्लावर होगा जो कि क्या है, एक इंडिकेटर प्लांट के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंडिकेटर प्लांट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये आपके दो टेबल दिए गए हैं, एक टेबल ये है और एक टेबल आगे वाला है, इन दोनों टेबल को एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, इनके बिहाफ पर आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, एक टेबल ये था और एक टेबल आपका ये है, तो इनको समझ लेना, पढ़ लेना एक बार, तो इनको पढ़ लोगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा और इनके बिहाफ पर आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो, समझ में आया। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 33 क्वेश्चन, पेयरिंग एट मियोसिस बिटवीन टू और मोर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो अब ये बोला गया कि मियोसिस के दौरान जो पेयरिंग होती है दो या दो से अधिक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन, ठीक है, वो हमारी जो कंप्लीट हो या ना हो और वो एडवर्स सेट एंड एडो सॉरी एलोप्लोपिडी जो है वो उसको जो है कहीं ना कहीं कंडीशन जो है एक सेट को प्रोड्यूस करती है, सेट जो है डाइवर्स करती है, वो हमारा क्या होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि इसका एग्जांपल जब भी ऐसी कंडीशन आती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की और पेयरिंग के बीच में उनकी कंप्लीट हो या पार्शियल हो तो वो कंडीशन हमारी एलोसिंडेसिस के अंदर होगी।
इसके अंदर होगी एलोसिंडेसिस के अंदर। तो ये भी आपका सेम ब्रीडिंग से क्वेश्चन है, और जब तक ब्रीडिंग के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे मैं लिख के देता हूं, आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है। ये चीज अगर समझ में आनी है तो इनको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे सोल आउट हम कर सकते हैं। आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सेंसिटिव टू सोइल एल्किनिटी, बट ईएसपी जो था वो इसमें दिया गया था लेस देन 15%। तो इसको क्वेश्चन को समझो, यहां पर लेस देन दे दिया गया, लेकिन वैसे एल्केलाइन सोइल के अंदर क्या होता है आपका ग्रेटर देन 15 होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपके कॉटन, रोडेग्रास, ओट, बीटरूट, मेज पांच ऑप्शन थे। कॉटन और रोडेग्रास, रोडेग्रास तो बहुत ज्यादा एल्केलाइन टॉलरेंट आपकी ग्रोप होती है, कॉटन भी आपकी एल्केलाइन एरिया में ग्रो करवाई जाती है, ये भी आपकी टॉलरेंट क्रॉप है, ओट भी आपकी टॉलरेंट क्रॉप है, लेकिन बीटरूट आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी मॉडरेट टॉलरेंट क्रॉप है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, मेज होगा, क्योंकि मेज की कुछ एक वैरायटीज होती हैं वो आपकी टॉलरेंट होती है, बाकी सारी की सारी सेंसिटिव वैरायटी होती हैं किसके लिए, आपके एल्केलाइन कंडीशन के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, मेज क्रॉप होगा। समझ में आया। नेक्स्ट आपका है एनिमल रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बीकानेरी एव्स विद मेरिनो रेम्स इज, कि जो आपका बीकानेरी एव्स है यानी कि फीमेल है और मेरिनो रेम्स यानी कि मेल है मेरिनो का, उन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इनमें से आंसर आपका क्या होगा। पहला आपका हिसार्डेल, दूसरा आपका मेलोस्पिजा, हिनी, कैनिस या म्यूल। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं बीकानेरी एव्स की या मेरिनो रेम्स की, तो इन दोनों का आपका जो है ये आपकी शीप की आपकी वैरायटी, सॉरी ब्रीड है, वैरायटी बोलना गलत होता है इनके लिए, वैरायटी आपकी क्रॉप के लिए होता है और ब्रीड आपका एनिमल के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका हिसार्डेल जो है वो हमारी जो ब्रीड है किसकी, बीकानेरी एवी और मेरिनो रेम्स का, जो कि हिसार से इसको जो है प्रोड्यूस किया गया है। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरिनो जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था, और बीकानेरी जो आपकी एवी है जो वो उन दोनों का जब क्रॉस करवाया गया यहाँ पर, तो उन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास क्या आया था, हिसार्डेल जो आपकी ब्रीड आई थी। नेक्स्ट आपका है बायोलॉजिकल एजेंट यूज टू कंट्रोल कॉमन मिलीबग। देखो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए जिस बायोलॉजिकल यानी कि कोई एक एनिमल या इंसेक्ट या आपका कोई भी फंगस ऐसी कुछ यूज की जाती है जिसे हमारा मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो इसके लिए एक वास्प है जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम आपका है लेप्टोमास्टिक्स, ठीक है, डेक्टिलोपियाई, और इसको हम यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट किसके लिए, मिली बग को कंट्रोल करने के लिए, और खासकर इसको कॉफी प्लांट जो कॉफी फील्ड होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो इसको इमेज को आप दोनों को देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इजीली शो हो रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है यहाँ पर जो मिली बग है, मिली बग के ऊपर बैठ के उसको फीड कर रहा है या उसको खाने का काम कर रहा है, ये आपका एक वास्प होता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो फॉर्मुलेशन यूज टू प्रिवेंट एस्केरिएसिस इन calves at age of 6 week, ठीक है, 6 weeks की एज तक जो calves के अंदर एस्केरियसिस होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, किसको हम यूज करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हमारे जो calves होते हैं उनके पेट के अंदर कीड़े बोल सकते हैं उनको, और वो आपको पता होना चाहिए थायाबेंडाजोल के द्वारा हम यूज करते हैं। देखो अगर ये आपको एक बार बता दिया जाए कि एस्केरियसिस क्या होता है तो मैं गारंटी देता हूँ इसका आंसर आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमें केवल जो है रट्टा लगा लो कि एस्केरियसिस क्या है, एस्केरियसिस जो है उसका क्या कंट्रोल करते हैं, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या है एक बार समझा दिया जाए, मैं गारंटी देता हूं एस्केरियसिस अगर आपको एक बार पता लग गया कि इसमें हमारा जो है पेट के कीड़े होते हैं, आप आराम से इस चीज को समझ पाओगे और इसका आंसर आपका थायाबेंडाजोल कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका क्या कहते हैं इन पैरासाइट वॉर्म्स को अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम कंट्रोल करवा सकते हैं, और ये आपका वॉर्म बोल दो, कीड़े बोल दो, कुछ भी बोल दो, एनीथिंग एल्स, उनको ही हमें क्या करना होता है, उसको ट्रीट करवाना होता है। समझ में आया। और इसका आंसर हमारा क्या होता है, बेंडाजोल। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो इन F2 जनरेशन इन डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। वही बात आ गया कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या आपका सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या आपका डुप्लीकेट एपिस्टेसिस या एपिस्टेसिस या डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, तो इनमें से आपका जो अगर प्रॉपरली पता है कि किसमें क्या होता है, मैं गारंटी देता हूं इसका आंसर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, जब हमें क्लियर ही नहीं है, जब हम जानते ही नहीं है कि ये क्या है, तो इन चीजों का आंसर करना बहुत मुश्किल होगा।
और इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको हमें कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना है। अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्लीमेंट्री ये जो पहला आपका दिया गया है, सॉरी 12:3:1, ये आपका दिया गया है मल्टीपल जीन इंटरेक्शन का, ठीक है, मल्टीपल जीन एक्शन बोल दो, इंटरेक्शन बोल दो, कुछ भी बोल दो। दूसरा आपका जो है 9:3:4 दिया गया है, ये आपका होता है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का। और जब भी हम बात करते हैं यहां पर 15:1, तो ये आपका हमारा होता है किसका, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का, जो कि हमारा आंसर है इसका। और 9:6:1 जो है वो पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का होता है। और 13:3 की बात करूं तो ये आपका इनहिबिटरी जीन एक्शन का होता है, ठीक है। और ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि रीजन क्या है, इसको समझना पड़ेगा। एक बार अगर समझ में आ गया तो उसके बाद जिंदगी भर ये नहीं बोलोगे, आपको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं है इन चीजों की कि आप इनको बार बार याद करो, कभी भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार समझना है, समझ आ गया तो कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगा, विद इन सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 15:1, जो कि डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के लिए F2 जनरेशन में हमारे पास रेशियो होता है। नेक्स्ट आपका है स्टिक्स कॉल्ड एज मोर्स कोड इज द सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ बनाना। बनाना के अंदर ऐसा कौन सा डिजीज है जिसके अंदर मोर्स कोड नाम के जो स्टिक्स आते हैं, और इन स्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, मोर्स कोड बोलते हैं। देखो आपका बंची टॉप जो बनाना होता है उसके अंदर क्या रहता है, कुछ इस प्रकार के आपके लीफ के ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन जो आए हुए हैं, ठीक है। ये जो साइन है कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि यही साइन जो है वो आपके स्टिक्स जो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा मार्जिन देख सकते हैं, इस प्रकार से स्टिक्स जो यहाँ पर शो हो जाते हैं, और ये साइन जो शो होते हैं वो आपके बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज के अंदर ही शो होते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा, बंची टॉप ऑफ बनाना। नेक्स्ट आपका 40 क्वेश्चन था, 40th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है न्यूमेरिकल का आंसर क्या होगा। एसिड इक्विवेलेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज 90% फॉर गेटिंग 2.1 किलोग्राम एक्चुअल इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि यहां पर कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो से क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि IBPS कुछ भी पूछ सकता है, ये किसी के भरोसे पे नहीं है कि ये चीज क्या पूछ जाएगी। ये यहाँ पर ICER JRF या फिर आपका जो है ADO से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो जो नॉर्मली क्वेश्चन आपके ADO या जो है JRF के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही उसी प्रकार के पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकते हैं। इट मींस कि आप BSc AG कर रहे हो, आपने BSc AG की हुई है, उसी के बेस पर आपका JRF का एग्जाम आएगा, और उसी के तर्ज पर हमारा जब AFO का एग्जाम आ रहा है जिसमें आपको एज ए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बड़ी पोस्ट दी जा रही है, तो उसमें आपका इन सब चीजों को क्यों नहीं पूछ रहेगा। तो देखो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज पे भरोसा करना कि कोई क्या बोल रहा है वो चीज आपके लिए बहुत गलत होगी। जब भी हमें इन चीजों को चूज करना होता है कि हम किसको चूज करें, किस इंस्टीट्यूट को चूज करें, किस टीचर को चूज करें, तो उससे पहले 100 बार सोच रहे कि आप क्या करने जा रहे हो। जिंदगी आपके हाथ में है, देखो आगे वाला जो पर्सन है वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है, आगे वाला जो प्रश्न है ना वो बेवकूफ बना रहा है, हम बेवकूफ बन रहे हैं इसलिए वो बना रहा है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। कोई गलत नहीं है, गलत हम खुद हैं। जब हम अपने आप को समझ लेंगे, जब हम अपने आप को समझा लेंगे, तब जाके हमें ये चीजें समझ में आएगी, हमें किस पे बिलीव करना और किस पे बिलीव नहीं करना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका 40th क्वेश्चन था, ये आपके यहाँ पर सारे के सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं, लेकिन एक आपका फाइनेंस में क्वेश्चन दिया गया था और इसका आंसर जो है वो 2.30 है, और यहाँ पर आपका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका हर्बिसाइड प्रोडक्ट के लिए या आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप निकालते हो उनके लिए एक पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया गया है, 100 × R × A × P। R हमारा रेट ऑफ एप्लीकेशन है, A हमारा एरिया है जो कि कितने एरिया में अप्लाई किया जाता है हेक्टेयर के अंदर, और ये हमारा परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इसके भी यहाँ पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्चुअल में इसका आंसर जो आया था वो आपका 2.33 आया था, लेकिन ये हमारा वही बात है 2.33 जो कि किसके नजदीक है, 2.30, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2.30 kg। तो ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप 41 क्वेश्चन जो कि फाइनेंस में आया हुआ था, लेकिन एक करंट का क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन हाउ मेनी डेज द बैंक इज सपोज्ड टू प्रोवाइड KCC टू फार्मर्स। पूछा गया था कि अगर आप आज एज ए फार्मर कोई एप्लीकेशन देते हो बैंक के अंदर, और एप्लीकेशन देने के बाद जो KCC के लिए एप्लीकेशन देते हो उसके देने के बाद कितने दिनों के अंदर बैंक को KCC आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, किसान क्रेडिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए RBI की गाइडलाइंस हैं,
और उन आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत एक बैंक को 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर उन्हें आपको केसीसी प्रोवाइड करवाना होता है। तो ये किसी और की गाइडलाइंस नहीं है, आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक ये आपका आंसर क्या होगा, 2 वीक्स होगा। तो ओके गाइस, तो मैं समझता हूं कि आपको जो क्वेश्चंस, जो कुछ गलत किसी ने बताया था या गलत कहीं से हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपका आंसर जो है एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर एग्जैक्टली आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे भी जैसे भी कोई और क्वेश्चंस या फिर आपके पेपर आते रहेंगे या आपके पीछे एग्जाम्स जो हुए हुए हैं उनको डिस्कशन जो है मैं लेके आता रहूंगा, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्यूरी कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप कमेंट करोगे तो आपके बिहाफ पर हम जो है कहीं ना कहीं आपको नई कुछ वीडियो देते रहेंगे, लेकिन वही बात है आपका रिस्पांस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो प्लीज इस चीज को मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं लाइक करो शेयर करो, वो बात आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो अनलाइक कर देना, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, वो आपके डिपेंडेंट पर है। लेकिन अगर इस चीज को सही लगा, बेटर लगा या आपको कुछ और रिक्वायर है तो प्लीज कमेंट जरूर करना है ना उसके रिगार्डिंग कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, या कुछ नई आपके टॉपिक जो है कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं। मैं जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आपको इन वीडियोस को प्रोवाइड करवाने का काम करूंगा। ओके गाइस, तो ये आपका आज का वीडियो था, लेकिन समझिए कि आज के दौर में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन के नाम पर धंधा बहुत कुछ चलाया जा रहा है, लेकिन उसको समझो, ठीक है, एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एजुकेशन पर्पज हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमें एक गिवर एंड टेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको वो चीज प्रोवाइड करवा दें कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओ। ये नहीं है कि आज AFO है, कल ADO है, उसके लिए आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग के लिए आओ। एक बार आप कोचिंग के लिए आओ, ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा वेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतनी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें देखते हुए अपने फादर एंड मदर के सपने पूरे करते हुए। तो गाइस मैं आपको यही कहूंगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू।